सीधे शब्दों में कहां तो संघर्ष कमेटियां के कहने मुताबक कमेटियां संघर्षों में अपना योगदान पा रही ने, पर सच गल ये है, असल गल ये है कि सूबा सरकार दीयां परेशानियां दिनों दिन वधदियां जा रही ने। विपत्ति नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी, तुसी शेयर तो नज़र ला लेंगे वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों इस समय की वड्डी खबर यह आ रही है कि पहला केंद्र सरकार का सूबा सरकार से प्रैशर है कि सीधी अदायगी होगी और कणक की खरीद होनी लाजमी है, ये चेतावनी दिती सी। आढ़तियां ने हड़ताल की हुई है, उस उपरांत पंजाब के हालात भी स्थिर नज़र नहीं आते, पर इसके बावजूद भी मंत्री रजिंदर सिंह बाजवा की कोठी का घराओ किया। कारण की है, नरेगा कर्मचारियों के हाथ में तख्तियां नज़र आ रही ने कि किते वादे पूरे करो, नरेगा मुलाजमान ना झूठे वादे करने वाले मुर्दाबाद। नुमाइंदिया ने कहा यह संघर्ष फेका नहीं पैन देना, असी अपने हक लैके रहने, जड़े सानू वादे किते ने वो पूरे करवा के रहने। तुसी जरा तस्वीर देखो तो समझ लग जाएगा मैं की कहना चाहना। कृपा करके पिछे रोक के जेड़ा बदलवे रास्ते तो भेजा जाए। तो साथियों जिदे बच्चों तो किसी भी एक्ट नु स्टे नहीं किया गया, इस करके जेड़ा ये कहते सी के असी वो स्टे कृपा करके दोवें बाहां खड़ियां करके पूरे जोश नाल उस नारे का जवाब दिता जाए ते तख्तियां जिहड़ियां सामने कीतियां जाण। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਨਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ 10-15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ। 12-12 ਸਾਲ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ
इतों तक कि पूरे पंजाब के बच्चे जिन्हें भी ठेके वाले मुलाजम उन्होंने पल्ले भी तरन तरन के प्रधान बलजीत सिंह जी के स्टेज पर अपनी गल रखन उन्हों तो बाद सनी कुमार जिला प्रधान फाजिलका वो तैयार रहन। संत साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शी हुई फतेह जी साए पाइए आप सारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बेनती है कि इस संघर्ष में हूँ आप ढिलिया नहीं पैन देना, जिस तरह भी उत्थे कोई फैसला आता वा देने देना 10-15 दिन फिर उ जिस तरह अगे टपाते 10-15 दिन बाद कह कोई कमेटी बनाई आई विचार सुना। सो जे 10 या 15 दिन जदों का भी कोई टाइम मिलता वा जे उस दौरान कोई भी फैसला आप अगला लेना वा तो उस समय के तुरंत लिया जाए। तो अमरीक जी कह रहे थे कि जिमें इतने विचार चल रही थी कि धुप आुप तो अपनी लगती अं किसान के बेड़े हाँ अं उन्होंने वारस हाँ कर्मचारी यूनियन के साथी 12-12 साल फील्डा के धक्के खाधे आ जिन रात एक करके असी अपन कृपा करके पिछे रोक के जेड़ा बदलवे रास्ते तो भेजा जाए। सो साथियों जिदे विचों तो किसी भी एक्ट नू स्टे नहीं किया गया, इस करके जड़ा ये कहते सी कि असी उस कृपा करके दोवें बाहां खड़ियां करके पूरे जोश नाल उस नारे का जवाब दिता जावे ते तख्तियां जिहड़ियां सामने कीतियां जाण। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, पक्के करो, पक्के करो, जोड़े वाले कीते वादे पूरे करो, पूरे करो, जिन्हें भी ठेके वाले मुलाजम उन्होंने पल्ले भी तरन तरन के प्रधान बलजीत सिंह जी के स्टेज पर आने अपनी गल रखन उन्हों तो बाद सनी कुमार जिला प्रधान फाजिलका वो तैयार रहन। संत साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शी हुई फतेह जी साए पाइए आप सारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। तो बेनती है कि इस संघर्ष में हूँ आप ढिलिया नहीं पैन देना, जिस तरह भी उत्थे कोई फैसला आता वा देने देना 10-15 दिन फिर उ जिस तरह अगे टपाते 10-15 दिन बाद कह कोई कमेटी बनाई आई विचार सुना। सो जे 10 या 15 दिन जदों का भी कोई टाइम मिलता वा जे उस दौरान कोई भी फैसला आप अगला लेना वा तो उस समय के तुरंत लिया जाए। तो अमरीक जी कह रहे थे कि जिमें इतने विचार चल रही थी कि धुप आ ये धुप तो अपनी लगती अं किसान के बेड़े हाँ अं उन्होंने वारस हाँ कर्मचारी यूनियन के साथी 12-12 साल फील्डा के धक्के खाधे आ जिन रात एक करके असी अपनिया